अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन। मैं आयशा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे किचन में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मैगी की रेसिपी, एक बहुत अच्छी शानदार सी रेसिपी। वैसे तो मैगी खाना सभी को बहुत पसंद है, लेकिन मैं आज कुछ हट के आपको बताने वाली हूँ। वैसे तो मैगी बहुत नुकसान करती है बच्चों के लिए ख़ासतौर से, लेकिन वो खाना बंद नहीं करते। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स अगर डाल देंगे तो ये ज़्यादा नुकसान भी नहीं करेगी और साथ में वेजिटेबल्स भी उनके पेट में जाएगी। आप मैगी रोज़ ना बनाएं, लेकिन वीकेंड पे एक बार ज़रूर बनाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा सारा सामान है जो मैंने लिया हुआ है, मैगी, और मेरे पास थोड़ी सी सब्ज़ी थी, गाजर, एक प्याज लिया मैंने, और पत्ता गोभी, और थोड़ी सी हरी मिर्च। हरी मिर्च में थोड़ी सी लाल मिर्च भी थी तो मैंने वो भी काट लिया है, और मटर मैंने पहले से ही बॉयल करके रखे थे। तो आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हों तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने फ्राई पैन लिया है, मैं मैगी को थोड़ा सा बॉयल करूँगी। इसमें मैंने तकरीबन एक गिलास पानी डाला। ज़्यादा पानी मैंने नहीं डाला है, ज़्यादा पानी मैं डालूँगी तो मैगी थोड़ी सी लिबलिबी टाइप की हो जाएगी, तो मैंने बहुत कम पानी डाला है। तो जब तक ये बॉयल हो जाएगा, इसके बाद बॉयल हो चुका है ये, अब हम इसमें मैगी डाल देंगे। हमेशा जब भी पानी बॉयल हो जाए तभी इसमें मैगी डालना चाहिए। तो इसमें मैंने मैगी डाल दी है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आप 10 रुपए वाली, 5 रुपए वाली, बच्चे ये बहुत पसंद करते हैं। नुकसान भी देती है ये, लेकिन इसको आज अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो उनके पेट में वेजिटेबल्स भी जाएंगी। ज़्यादा इसको यूज़ भी नहीं करना चाहिए, मैगी को मैदे की बनी होती है। मैगी को बनाने के लिए मैंने फोक यूज़ किया है, जिसे हिंदी में काटा भी कहते हैं। तो फोक मैं इसलिए यूज़ करती हूँ हमेशा, जिससे कि ये टूटे ना। कभी भी मैं इसमें चमचा या कोई भी चमचे टाइप का कुछ नहीं यूज़ करती, मैं हमेशा इसमें फोक यूज़ करती हूँ। जब भी मैं मैगी बनाती हूँ या नूडल्स बनाती हूँ, चाउमीन बनाती हूँ, तो हमेशा उसमें मैं फोक का यूज़ करती हूँ, जिससे कि वो टूटती नहीं है। तो आप भी इसको ट्राई करें। ये देखिए बिल्कुल अलग अलग हो गई है और ये टूटी भी नहीं है बिल्कुल। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि मेरे फोक यूज़ करने से कैसी मैगी बनती है। ये ऑलमोस्ट बन चुकी है, मैंने इसमें कोई मसाला नहीं डाला है अभी, सिर्फ मैंने मैगी को बॉयल किया है। अलग हो चुकी है ये, थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाला है ताकि ये चिपके नहीं, क्योंकि इसको मैं जब तक कि मेरी वेजिटेबल्स बनेंगी तब तक ये रखा रहेगा, और ये ठंडा हो जाता है तो ये आपस में चिपक जाता है। तो अब मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। इसमें मैं अब डालूँगी कटी हुई प्याज, ये तकरीबन मैंने एक आड़ी प्याज काटी है, ज़्यादा नहीं काटी है। थोड़ी सी मैंने 2-3 गाजरें काटी हैं छोटी छोटी। पत्ता गोभी थी मेरे पास तो मैंने वो भी ले ली है। तो अब मैंने सारा जितनी भी सब्जियां मेरे पास थी सब मैंने मिक्स कर ली हैं। इसे तेज आंच पे मैंने सॉटे कर लेना है, अच्छे से मिक्सअप हो जाए ये सारी सब्जियाँ आपस में। और मैंने अभी भी इसमें कोई मसाला नहीं डाला है, इसको बस ऐसे ही एज इट इज़ मैंने इसे भून लेना है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, सबसे पहले नमक डालेंगे। तो हमने इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि इसके मसाले में भी नमक होता है। तो हमने तकरीबन 2 पिंच ऑफ सॉल्ट डाला है, 2 चुटकी नमक डाला है हमने इसमें, और 1 चुटकी काला नमक डाला है।
सब्ज़ियाँ हमारी अब ऑलमोस्ट धीरे धीरे बन गई हैं। इसमें नमक डालने से ये हुआ कि ये अब थोड़ी सी गल जाएंगी, तो अब हमने जो मैगी बनाई थी वो हम इसमें डाल देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अलग ही अलग है क्योंकि मैंने इसमें ऑयल डाला था। अब हम इसमें मैगी का मसाला डालेंगे जो इसके पाउच में निकलता है, पैकेट में एक पाउच निकलता है वही हमने इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो मैगी मसाला अलग से भी आता है वो भी डाल सकते हैं। मैंने लिया था लेकिन मैंने डाला नहीं उसे, ये चार पाउच मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब मैगी को हमें सारे मसाले में और इस सब्जियों में मिक्स कर लेना है। अब इसे मिलाने के लिए मैंने दो फोक का यूज़ किया है। बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है ये, जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से मिक्स हो रहा है और ये टूट भी नहीं रही है। अब इसमें मैं डालूँगी मेरी बॉयल की हुई मटर। मैंने पहले से इसको बॉयल करके रख लिया था, ज़्यादा नहीं, तो इसे अब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें हमें कोई इंग्रेडिएंट नहीं डालना है, सिंपल मैगी है, बिल्कुल कोई मसाला नहीं डाला मैंने इसमें सिवाय मैगी मसाले के। तो ये अब बिल्कुल पक चुकी है और अब हमें इसे उतार लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही लजीज दिख रही है, खाने में भी ये बहुत लजीज है। कुछ एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला है मैंने इसमें। तो मैं चाहूँगी इसे आप एक बार ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए, आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है ये। ये मेरे एक बच्चे की फरमाइश थी इसलिए मैंने इसको आज बनाया। मैं घर में ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो उन्होंने मेरा चैनल देखा और मुझसे एक फरमाइश की कि अब भी आप ज़रूर मैगी बनाना सिखाइए एक बार, क्योंकि घर में कभी ज़्यादा हो जाता है नमक, कभी कम हो जाता है नमक। और वेजिटेबल्स के साथ मैंने इसको बनाया है। तो आई होप कि आप सबको ये बहुत ही पसंद आने वाली है, आप इसे घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इसे एक बार ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए, आपके बच्चों को ये बहुत पसंद आने वाली है। तो मेरी रेसिपी कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा किचन, आयशाज़ किचन। अल्लाह हाफिज़।